हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर के मैथ्स का फिफ्थ चैप्टर मल्टीप्लिकेशन। पिछली बार हमने लेक्चर वन में एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 करी थी, इस बार हम लेक्चर टू में 5.3 करेंगे। तो 5.3 में क्या है, मैंने आपको बोला था कि 5.3 से पहले हम कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे जो 5.3 में होने वाले हैं। तो 5.3 में कैसे होगा, 5.3 में आपको कुछ नंबर को एक वन डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नंबर्स को आपको टू नंबर से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नंबर्स को आपको थ्री से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लाई करोगे कैसे, तो ये बताने के लिए मैं आपको वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपका आता है वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन, वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन। सबसे फर्स्ट है वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन क्या है, जैसे आपको 246 दे दिया, अब आपको इसे कहा कि वन डिजिट यानी वन डिजिट पे कोई एक डिजिट होती है को आपको सिक्स से मल्टीप्लाई करना है। सिक्स से आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सिक्स पे सबसे पहले आपको सिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, सिक्स इंटू सिक्स। मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको टेबल सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम सिक्स इंटू सिक्स करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास सिक्स की टेबल सिक्स पर बोलेंगे तो हमारे पास आएगा 36। तो जब हमने 36 यहाँ लिखा, लेकिन हम 36 ऐसे नहीं लिखते, ये हमारी वंस प्लेस है, ये हमारी टेंथ प्लेस है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा वंस प्लेस को यहाँ रखेंगे और जो हमारी टेंथ प्लेस है, ये टेंथ प्लेस है, इसको हम यहाँ पे कैरी में भेज देंगे। जैसे हम एडिशन में भेजते हैं, ये जो थ्री था इस थ्री को हम इसके ऊपर भेज देंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब आगे मैं बताती हूँ इस थ्री का क्या रोल होगा। अब सिक्स फोर जा कितना होता है, सिक्स फोर जा होता है हमारा 24 हुआ हमारा सिक्स फोर जा, सिक्स फोर जा हुआ 24। अब ये हमें थ्री है, थ्री का क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद हम इसको थ्री को प्लस कर देंगे, तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन और टू 27। अब वापस यहाँ पे हम 27 नहीं लिख सकते, अब हम क्या करेंगे टू को इधर कैरी में भेज देंगे, टू आ गए इधर कैरी। अब 62 का कितना होता है 12, अब 12 में हम टू प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। अब 14 हमने यहाँ लिखा, अब आप वापस ऐसे देखोगे कि हम इसको कैरी भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है। जब आगे कोई नंबर नहीं होता उसके बाद हमें दो नंबर्स लिखने पड़ते हैं 14, तो हम ऐसे लिख देते, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया था सिर्फ सिक्स से सिक्स, सिक्स इंटू सिक्स कितना 36, तो हम यहाँ पे सिंपल 36 लिख देते। लेकिन जब हमें यहाँ पे नंबर दिए हुए थे आगे, सिक्स के आगे एक और नंबर था, तो हमें इसे कैरी में भेजना पड़ा थ्री को। तो ये होता है वन डिजिट मल्टीप्लीकेशन। वन डिजिट मल्टीप्लीकेशन सबसे इजी मल्टीप्लीकेशन होती है, और इसके लिए अगर आपको 10 तक टेबल्स याद होगी, वन डिजिट के लिए आपको अगर 10 तक टेबल्स याद है तो आपकी वन डिजिट मल्टीप्लीकेशन अच्छे से हो जाएगी बिना कोई मार्क्स कटे। सेकेंड अब क्या आती है, सेकेंड अब क्या आती है, टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन। अब टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे हमने थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन, वन डिजिट मल्टीप्लीकेशन में वन से मल्टीप्लाई किया था, वैसे हम टू डिजिट में हम दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम वापस वही नंबर ले लेते हैं 246, अब हमें 246 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 13 से मान लीजिए, अब हमें 13 से मल्टीप्लाई करना है। पहले तो हमारे पास सिक्स था, हमने आराम से कर लिया, पर अब आप सोच रहे होंगे आपको 13 की टेबल तो आती नहीं है, तो आप इसे कैसे करेंगे। तो अब मैं बताती हूँ, जब आपको सबसे पहले आपको लेना है ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड, वंस पे ये तीनों, ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों। अब आपको लेना है वंस डिजिट का थ्री, थ्री लिया, थ्री वंस है तो वंस से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री सिक्स 18, वन कैरी, थ्री फोर ज 12 प्लस वन 13, थ्री टू ज 6 प्लस वन 7। अब ये तो हो गया, अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए मल्टीप्लीकेशन करके, अब हमें देखना है हम आगे क्या करें। आगे तो क्या करना है, वन से तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम वापस इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख दें क्या 246, उसको प्लस कर देंगे फिर, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब भी हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर यहाँ आ जाएंगे, फिर जब हम टेंथ प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वंस की जगह है ना, ये पूरी लाइन वंस की है, ये वंस डिजिट, ये वन डिजिट, ये भी वंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस पे, भी वंस प्लेस पे, भी वंस प्लेस पे, लेकिन ये तो टेंथ प्लेस पे है।
जब हम टेंथ प्लेस को टेंथ प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर भी टेंथ प्लेस में आएगा। तो अब हम वंस प्लेस क्या करेंगे, अब हम वंस प्लेस को खाली छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे तो यहाँ पे हम एक क्रॉस लगा देते हैं। अगर आप क्रॉस नहीं लगाओ तो आप जीरो लगा सकते हो, लेकिन क्रॉस ज्यादा बेटर रहता है। क्रॉस लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। फिर 1 6 6, 1 4 4, 1 2 2, फिर 8 प्लस, यहाँ पे हम प्लस करते हैं। जब हमारे पास दोनों बार मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाते हैं उसे हम प्लस कर देते हैं। अब 8 में कुछ भी नहीं है नंबर, तो 8 आ जाएगा। फिर इधर 6 प्लस 3 कितना होता है, 9, तो 9 आ जाएगा। फिर इधर हमारा 7 8 9 10 11 11 है, तो 11 आ जाएगा। अब वापस फिर से वही हो गया, 11 है। मैंने आपको एडिशन में भी बताया था, जब हमारे पास आगे कोई नंबर है और हमें प्लस करना है तो इसको हम हटा देंगे और इसको इधर कैरी भेज देंगे। अब 2 2 प्लस 1 3, तो हमारा मल्टीप्लीकेशन का आंसर आया है 3198। ये था 2-डिजिट मल्टीप्लीकेशन। 2-डिजिट मल्टीप्लीकेशन के लिए भी आपको टेबल्स तो मस्ट है, टेबल्स आपको करनी ही पड़ेगी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट 3-डिजिट नंबर। थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये हमने 1 से कर लिया, 2 से कर लिया, 3 से कैसे करेंगे। वापस हम फिर से कोई नंबर ले लेते हैं 246। अब हमें कोई नंबर दे दिया, जैसे हमें इसे 113 से करना है। अब भैया हमने इसको 6 से भी कर लिया, 13 से भी कर लिया, अब 113 से हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 113 से हम इसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वंस प्लेस से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 6 18, 1 कैरी, 3 4 12, 1 कैरी, 12 प्लस 1 13, 13 का 1 इधर कैरी, 3 2 6 और 7 7 38। फिर हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे क्योंकि ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, ठीक है। 1 6 6, अब हमने यहां तक तो कर लिया भाई, हमें पता था कि टेंथ प्लेस पे हम करेंगे तो वंस प्लेस की जगह खाली छोड़नी है। अब ये कौन सी प्लेस पे, 1 10 100, ये जो नंबर है ना, ये वाला 1, ये 1 आ जाता है हमारी 100 प्लेस पे। अब 100 प्लेस पे जब कोई नंबर आता है ना, तब हम क्या करेंगे, 100 है ये तो वंस की प्लेस है, ये टेंथ की प्लेस है। अब जब यही नंबर 100 है तो इस नंबर को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ही आएगा, तो इन दोनों की जगह को भी खाली छोड़ देते हैं, 1 10 की जगह को खाली छोड़ देंगे। फिर 1 6 6, 1 4 4 एंड 1 2 2। अब बस आ गया नंबर, अब हमें इसे करना है प्लस, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 प्लस एक्स कुछ नहीं है, 8 आएगा। 6 प्लस 3 9, और 9 प्लस कुछ नहीं है नीचे, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 7 17, 17 का 1 इधर कैरी, 4 प्लस 2 6 7 और 2, हमारा आंसर आ गया 2 7 7 9 8। हमारा आंसर आया है 2 7 7 9 8। तो ऐसे हम 3-डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी हमने सीखा कि हम 3-डिजिट, 1-डिजिट और 2-डिजिट की ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई विथ 1 डिजिट। 1 डिजिट में हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। 1 डिजिट सबसे ईजी होती है, इसके लिए आपको 10 टेबल अगर याद है तो बहुत ईजीली हो जाएगा। तो इसमें कुछ हार्ड सा मुझे दिख रहा है तो मैं वो आपको बता देती हूँ। 7 4 3 6 8। वैसे अगर इसमें आपको सारे टेबल्स याद है तो आपको सारे क्वेश्चन ईजीली हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हार्ड तो होता ही नहीं है मैथ्स में। तो 8 6 48, 4 कैरी, 8 3 24, 24 प्लस 4 28, 2 कैरी, 8 3 38, 4 32, 32 प्लस 2 34, 8 7 56, 56 57, 58 59,
हमारा आंसर आ चुका है 59488। तो ये ऐसे आपको सारे वन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, क्वेश्चन नंबर टू में आपको टू डिजिट करना है और क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको थ्री डिजिट करना है। अब मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ये थोड़ा बड़ा नंबर का क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया। अब हम इसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। थ्री सिक्स 18, थ्री एट 24, प्लस 125 टू कैरी, थ्री नाइन 27, 28 29 टू कैरी, थ्री वन 3, प्लस टू कैरी 5। अब यहाँ पे टेंथ प्लेस है, हम एक क्रॉस लगा देते हैं। अब आएगा 8 सिक्स 48। अब इन सारे कैरीज को हम मिटा देते हैं क्योंकि फर्स्ट कैरी था हमारा, फर्स्ट कैरीज को हमने मिटा दिया। अब बॉक्स हमने रन दिया है अगर जरूरी हुआ तो। 8 सिक्स 48, 4 कैरी, 8 एट 56, 57, 58, 59, 60, 0, 6 कैरी। हमेशा क्या करना है, हमें दो नंबर्स होते हैं ना हमारे पास, तो इस वाले नंबर को तो रखना है और इस वाले नंबर को कैरी भेजना है। फिर 8 एट 9 72, प्लस 6 78, 8 वन 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमें करना है इसे प्लस, 8 में कुछ नहीं है, 8 9 10 11 12 13 13 वन कैरी। अब यहाँ पे 9 प्लस 1 10 और यहाँ पे 0 है तो 0 के साथ कुछ भी नंबर ऐड हो जाएगा, 10 ही आएगा, 10 का 0 1 इधर कैरी, 8 9 10 11 12 13 14 14 4 1 इधर कैरी, 5 6 और 1। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ चुका है 1, 4, 1, 6, 4, 0, 3, 8। तो टू नंबर्स मल्टीप्लीकेशन ऐसे होती है। अब थ्री नंबर्स मल्टीप्लीकेशन का हमें क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज 5.3 में ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन हैं। थ्री नंबर्स तो बहुत इजी से मिलेंगे आपको आपके लेवल पर, लेकिन आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको 5-5 नंबर्स के भी मिलेंगे, तो आपको करना आना चाहिए। अगर आपने थ्री नंबर्स तक सीख लिया तो बाकी आपको आराम से आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन 108 × 126। 108 को हमें 126 से मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है क्रॉस। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, सिक्स एट जा 48, फोर इधर 6000। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बताया था, एक पॉइंट आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई होता है, कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। तो अभी जैसे हमको सिक्स में मल्टीप्लाई करना है, ये सिक्स को हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, जीरो, जीरो प्लस फोर। और एडिशन वाले चैप्टर में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कोई भी नंबर अगर जीरो में प्लस होता है तो वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फोर, फिर सिक्स वन जा सिक्स, कोई भी नंबर अगर वन से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आएगा। टू एट जा, व्हाट इज टू एट जा, टू एट जा 16। अब हम फोर को हटा देंगे, हम यहाँ पे रख देंगे वन, टू जीरो जा जीरो एंड दिस इज वन कैरी, दिस इज वन, टू टू वन जा टू। अब आपस ये 100 डिजिट है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये 100 प्लेस है। तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस को हमें खाली छोड़ना है। 100 से हम 18 से 8, 1 0 से 0, 1 1 से 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही नंबर आएगा। 8 प्लस 0 0 8, 6 प्लस 4 10, 8 9 10 16, 2 प्लस 1 3 और ये 1। हमारा आंसर आया है 13608। उसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 5.3 हमारी खत्म होती है। उसमें हमें थ्री डिजिट से मल्टीप्लाई करना था, टू डिजिट से वो हमने कर लिया है। अब हमारी आती है 5.4। 5.4 में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, 5.4 में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के। वर्ड प्रॉब्लम जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वर्ड प्रॉब्लम सबसे हार्ड क्वेश्चंस होते हैं।
तो मैं आपको 5.4 का सबसे पहला क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मल्टीप्लीकेशन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ ये 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ईच डे 28 एरोप्लेन्स डिपार्ट फ्रॉम एयरपोर्ट, हाउ मेनी प्लेन्स डिपार्ट इन एयर 365 डेज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक दिन में कितने एरोप्लेन्स उड़ते हैं? एक दिन में 28 एरोप्लेन्स जो है वो टेक ऑफ करते हैं, मतलब एयरपोर्ट होते हैं ना, एयरपोर्ट से एक दिन में 28 एरोप्लेन जाते हैं। तो 28 एरोप्लेन एक दिन में जाते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि जब 28 एक दिन में जाते हैं, 1 day = 28, तो एक साल में कितना होगा? एक साल में, हमारे साल में कब एक बार 365 डेज होते हैं, और जिस टाइम लीप ईयर होते हैं उस टाइम 366 डेज होते हैं। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें ये हमें नहीं पता है, इसीलिए क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट में आगे 365 दे रखा है। तो जब एक दिन में इतने एरोप्लेन जाते हैं तो 365 डेज में कितने जाएंगे वही देखना। एक पेन आता है 2 रुपए का, एक पेन 2 रुपए का, एक दिन 28 एरोप्लेन, तो 5 पेन कितने होंगे, 5 × 2, तो इतने दिन में कितने होंगे 365 × 28। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा, उतने प्लेन्स एक दिन में टेक ऑफ करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं, एट फाइव जा 40, 4 इधर कैरी, 8 6 जा 48, 48 प्लस 4 आएगा हमारा 49, 50, 51, 52, 52, 8 3 जा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 आएगा, फिर 2 5 जा 10, 10 का 0 इधर, 1 कैरी। इस वाले कैरी में से हम दोनों नंबर हटा देते हैं। ये आपको पता ना है क्रॉस क्यों आया, क्योंकि 10 डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 डिजिट पे 1 की प्लेस खाली रहेगी। तो 2 5 जा 10, 1 इधर कैरी, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, फिर आता है 2 3 जा 6 प्लस 1 7, अब हमें इसे प्लस करना है। 0 और उसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर भी आएगा 0, उसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 0, 2 के नीचे 0 है, 2 प्लस 0 कितना होगा 2, क्योंकि एनी नंबर एडेड विद 0 इज इक्वल टू द नंबर। 9 3 9 10 9 10 11 12 8 9 10 8 7 8 9 10, तो हमारा आंसर आया हमारे एक साल में 10,220, यानी हम इसे सही इंग्लिश में लिखते हैं 10,220 एरोप्लेन्स टेक ऑफ करते हैं, मतलब एक साल में एक एयरपोर्ट से अप्रोक्सीमेटली 10,000 एरोप्लेन्स उड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका कुछ ऐसे ही है, तो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता देती हूँ, लास्ट हम कर लेते हैं क्योंकि लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। लास्ट क्वेश्चन इज, अ क्रिकेट स्टेडियम हैज 328 रोज विद 250 सीट इन ईच रो, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द स्टेडियम। अब मैं आपको क्वेश्चन फोर्थ का एक्सप्लेनेशन देती हूँ। आपको क्वेश्चन फोर में क्या दिया है कि यह कोई क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट मैच देखा ही होगा ना आपने, ये क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे पिच वगैरह सब होती है, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे मतलब जो भी सारी क्राउड होती है, जो भी मैच देखने जाते हैं स्टेडियम के अंदर, वो स्टेडियम में बैठकर यहाँ पर मैच देखते हैं, हमने एड में या टीवी में या कहीं तो देखा ही होगा मैच का सीन, ठीक है। तो ये हमारा पिच हो गया और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि ये जो रोज होती है ना, 1 2 3 4, मतलब इसके अंदर सीट होती है, ऐसे सीट 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 सीट, अब हमें दिया हुआ नहीं है कि वो ऐसी रोज है, वो रोज ऐसी भी हो सकती है, ऐसी वाली रोज भी हो सकती है कि इसके अंदर सीट 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 सीट। तो एक बड़ा सा स्टेडियम है, उस बड़े स्टेडियम में जो रोज होती है ना, वो ऐसी रोज
जैसे आपकी टेबल नहीं होती, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टेबल्स पे बैठते हो ना स्कूल में, तो वो रोज होती है। तो ये ऐसी कोई 328 रोज है। टोटल रोज कितनी है हमारे पास, टोटल रोज है हमारे पास, आई हैव जस्ट ड्रॉन दिस पिक्चर। देन उसमें क्या होता है, इतनी सारी रोज बनी हुई होती है क्रिकेट स्टेडियम में, ऐसी रोज बनी हुई होती है, इसके अंदर सीट्स होती है, ठीक है, यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सीट होती है। तो आप कहीं भी, जैसे आप मॉल में भी गए होंगे पिक्चर देखने, तो अभी आपको सीट मिली होगी, ये सीट है, सीट है, ये सारी इसमें सीट्स बनी हुई होती है। अब ऐसी रोज 1 2 3 4 5, ये तो 5 रोज है, लेकिन इस पूरे स्टेडियम में कितनी रोज है, 328 रोज। अब रोज इतनी सारी है और एक रो, यानी जो सिर्फ ये वन है ना, ये वन, तो बाकी सबको इरेज कर देते, सिर्फ वन रह जाती हूँ। ये एक रो है ना, ये एक रो बोलते हैं। इस एक रो के अंदर कितनी सारी सीट्स हैं, इसके अंदर सीट्स ही सीट्स हैं। इसके अंदर कितनी सारी सीट्स हैं, इसके एक एक रो के अंदर सीट्स हैं 250 सीट्स, मतलब सिर्फ इसके अंदर ही 250 है, 250 सीट्स एक के अंदर है। अब ऐसे कुछ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल सीट्स आ जाएगी। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको, मैं यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब देखो, जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, 0 × 8 0, 0 × 2 0, 0 × 3 0, किससे भी मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा। फिर 5 × 8 = 40, 40 × 5 = 10, 10 + 4 आता है हमारा 14, तो एक हमारा कैरी इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 × 15 + 1 = 16, अब यहाँ पे हंड्रेड प्लेस पे, तो 1 और 10 प्लेस हमें खाली छोड़नी होगी, तो 2 × 8 = 16, 2 × 4, यहाँ पे मैं 16 का 1 कैरी आया, 2 × 8 = 16, 1 कैरी, 2 × 4 + 1 = 5, और 2 × 3 = 6, तो हमारा आया टोटल। अब इसे हम ऐड कर देंगे, 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0, ये भी 0, 6 + 4 = 10, ये भी 0, फिर ये 6 6 6 = 12, ये 12, इधर 1 कैरी, 6 7 8, तो वहां पे टोटल स्टेडियम में कितनी सीट्स थी, 82,000 सीट्स। तो आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। थैंक यू, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और प्रैक्टिस करते रहना, और सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना मल्टीप्लिकेशन की।